नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका लर्न मैजिक में। दोस्तों मेरा नाम है स्वर्णिम, जिसके सर पे है एक आई पैच और मेरे साथ है आस्था, जिनका आई पैच मैंने बोरो किया हुआ है। तो श्योर हो जाइए कि इस आई पैच के थ्रू कुछ नहीं दिखता है, इन्होंने खुद चेक करा हुआ है। अब आज आई पैच लेके क्यों आया हूँ, क्योंकि आज की जो माइंड रीडिंग का मैजिक है वहाँ पर मैं ब्लाइंड फोल्ड होकर के माइंड रीडिंग करने की कोशिश करूँगा। वेरी पावरफुल मैजिक ट्रिक। और एक और बात है, आस्था ने भी इस ट्रिक को नहीं देखा है, इनको यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आई पैच, वो भी इनका आई पैच जिसमें कोई सेटिंग नहीं, जिसके थ्रू मैं देख नहीं सकता, उसको लगा करके मैजिक कर पाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा मैजिक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस पट्टी को नीचे कर लेता हूँ। आस्था एक बार देख लो कि कुछ दिख तो नहीं रहा है। नहीं, इस पर नहीं दिखता, मुझे पता। ओके, तो चलिए अब आप क्या करो, इस डेक को उठा करके डब्बे से बाहर निकाल लो और अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट कर लो, चाहो तो मिक्स कर लो, देख लो कि कुछ भी इसमें मिक्सअप तो नहीं है, कोई भी सेटिंग तो नहीं है। अच्छी तरीके से प्लीज इंस्पेक्ट कर लो। जब भी आप इंस्पेक्ट कर लो मुझे बता देना, उसके आगे का मैजिक हम चालू करेंगे। कर लिया मैंने इंस्पेक्ट। ओके, तो डेक को वापस फेस डाउन करके उस मैट पे रख दो। रख दिया क्या? हाँ। ओके, दिस इज द डेक। ऑलराइट, अब आप एक काम करो, इस डेक को कहीं से भी ना ऐसे रैंडमली कट कर लो, जहां से भी आपको कट करना है कट करके एक पाइल अपने हाथ में उठा लो। ओके, उठा लिया? हाँ, उठा लिया। तो जो सबसे नीचे का पत्ता उसको देख लो, दैट इज योर सिलेक्टेड कार्ड बेसिकली। देख लिया? ओके, उसको कैमरे में भी दिखा दो। दिखा दिया? ठीक है, इसको वापस यहाँ वापस पाइल पे रख दो। ओके, रख दिया। ओके, डेक को स्क्वायर कर देते हैं एक बार। ओके, स्क्वायर हो चुकी है डेक। ऑल राइट, सो अब माइंड रीडिंग चालू करेंगे। दस्ता मैं क्या करूँगा, डेक को अपने हाथ में ले लेता हूँ और मैं आपका माइंड रीड करने की कोशिश करूँगा, आपका पत्ता बाहर निकालने की। ओके, रैंडम पत्ता, वेल शफल डेक से, और क्या लाइकलीहुड है आपको लगता है कि मैं ब्लाइंड फोल्डेड आपका पत्ता पता कर लूंगा? जीरो। जीरो लाइकलीहुड है, राइट। चलो देखते हैं आपका चैलेंज हम एक्सेप्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग यू नो मैजिक है ये, काफ़ी मज़ा आता है इसको करने में एंड काफ़ी पावरफुल मैजिक है। सो मैं फील कर रहा हूँ कि आपका पत्ता कौन सा था, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड ट्राइंग टू गेट दैट आउट। अभी तक तो मेरे को दिखा नहीं है। आई थिंक दिस इज योर कार्ड, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। ऑल राइट, आई थिंक दैट वॉज योर कार्ड। तो चलो मैं अपना ब्लाइंड फोल्ड अब निकाल लेता हूँ और उसके बाद आगे का मैजिक करेंगे। रेड कैसे हो गई डेक? आई चेंज द डेक, मैजिक विल नॉट हैपन। व्हाई डिड यू चेंज द डेक? पक्का यू डन सम सेटिंग इन द डेक, नो? अरे मैं बोल रहा हूँ सेटिंग नहीं है, मतलब फिर भी विल नॉट हैपन नाउ। ये तुम्हारी डेक है? यस, इज माय डेक। तुम्हारे पास डेक कहाँ से आ गई? कि तुम्हारे इस खजाने से निकाली है। अरे यार, मतलब पूरा वीडियो 15 मिनट की मेहनत जो है तुमने, तुम्हें लगता है तुमने वेस्ट कर दी है? यस। तुम्हें लगता है कि मैं इतना छोटा मोटा मैजिशियन हूँ कि कोई मेरी डेक बदल देगा और मैं पता ना कर पाऊँ? हो भी सकता, वैसे ही हुआ ना। सो तुम्हारा डेक, हाँ, तुम्हारी सेटिंग, तुम्हारा शफल डेक, हाँ, तुमने खुद कट किया, एक पत्ता चूज करा, मैंने ब्लाइंड फोल्डेड गेस करा हुआ एक पत्ता यहाँ पर, right? What was your card? My card was very simple. क्या? It was a joker. Joker? Yeah. एक तो मेरे deck में joker था भी नहीं और तुमने joker select करा हुआ है. Can you turn around this card and see what it is? This is not possible. Okay. Seriously? How can this be? This is my deck. ये छोटे मोटे magician नहीं हैं हम. And for the audience who are suspecting, I believe there is no other similar joker in this deck. It's a totally random deck. Deck to random hi hai. Video acha laga to ise zarur like kar de. Is magic ka tutorial dosto yahan nahi aayega. Hum thode se changes kar rahe hain. Ek video maine pehle bhi launch kiya hua tha, lekin is video mein bhi aapko bata do ki aise jo magic hai jo bahut powerful hai, public domain mein available hi nahi hai, jiska secret bahut limited logo ko pata hai. मुझे लगता है ये डिसर्विस है कि पब्लिकली इसका सीक्रेट रिवील कर दूं. तो मैं सिर्फ सीरियस मैजिशियंस या जो लोग सीरियस हैं मैजिक सीखने के बारे में, उनको ये मैजिक सिखाना चाहता हूं. और इसलिए मैंने इन मैजिक को डिसाइड करा है कि मैं अपने मेंबरशिप एरिया में रिवील करूंगा. हालांकि कुछ मैजिक ऐसे होंगे हर महीने जो मैं
पब्लिकली सीक्रेट बताऊंगा जैसे मैं हर संडे बताता हूँ, लेकिन एक या दो मैजिक महीने के ऐसे भी होंगे जो बहुत पावरफुल मैजिक हैं जिसका सीक्रेट किसी को नहीं पता हुआ है या बहुत ही प्रोटेक्टेड मैजिक है। अगर आप उनको सीखना चाहते हैं, आप सीरियस हैं इस तरीके के इफेक्ट करने के लिए, तो आप मेरे मेंबरशिप एरिया को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इनका सीक्रेट मिल जाएगा। इस मैजिक का सीक्रेट मेंबरशिप एरिया में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, सो ज्वाइन दैट एंड लर्न दिस मैजिक। हेलो, एक आफ्टर नोट, मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को शक है कि कुछ ना कुछ सेटिंग तो है, तो इतना आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इस ब्लाइंड फोल्ड में कुछ भी सेटिंग नहीं, ये बिल्कुल जेन्युइन ब्लाइंड फोल्ड है, इसके थ्रू कुछ नहीं दिखता। आप बोरोड ब्लाइंड फोल्ड, किसी के रुमाल, किसी भी चीज से ये मैजिक कर सकते हैं। इनफैक्ट आप मुंह साइड में रख के भी ये मैजिक कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स पार्ट वन। पार्ट टू, क्या डेक में कुछ सेटिंग है? नहीं, डेक में कुछ सेटिंग नहीं। ये ऑडियंस की डेक से भी किया जा सकता है, आपके घर में पड़ी हुई किसी भी डेक से मैजिक किया जा सकता है। ना ही ये मार्क डेक है, ना ही आप कोई पत्ता फोर्स करते हैं, ना ही ये कोई स्पेशल स्वेन गली डेक की डेक है जहां पर एक रैंडम पत्ता हमेशा आएगा। ये एक नॉर्मल डेक से किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि कुछ तो स्पेशल इक्विपमेंट यहाँ यूज होता है, तो बिल्कुल नहीं, कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट इसके लिए नहीं यूज होता। तो कैसे होता है माइंड रीडिंग, जानना चाहते हैं तो मेंबरशिप एरिया में आ जाए।